राम राम, सत श्री अकाल। कैसे सभी लोग? चलिए, माई सेल्फ भरत पवार और बाब के लेक्चर में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार है। बहुत ही स्पीड से लगातार आपकी 11th क्लास की वीडियो आना शुरू हो चुकी है, तो उसी स्पीड से तुम धनाधन सच को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ और कमेंट कराओ। सारे पहलवानों हो जाओ तैयार। अब जितने भी मेरे बंदे हैं, जितने भी मेरे पहलवान लोग हैं, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे खिलाड़ी हैं, सब तैयार हो जाओ। अभी आपको NEET 21 निकालना है। NEET 22 आपके लिए, तो 11th वाले बच्चों के, आपके लिए तो NEET 22 है, तो उस NEET 22 को तैयार कर लो अभी से ही। पर डे आपकी वीडियो आ रही है, पर डे आपके कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं मैं, तो आप अपनी रफ बुक है, आपका जो नोट्स कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाए। और धमाकेदार हम लोग शुरू कर चुके हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ना। तो अगर आप चैनल पे अगर नए हैं, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक का नाम है प्रोटोजोआ। एक्चुअली में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एनिमल किंगडम। अगर आपको वापस में माइंड सेट करूं आपका कि हम लोग चल कहां रहे हैं एक्चुअली में, तो हम लोग चल रहे हैं एक्चुअली में 5 किंगडम थ्योरम पे, जिसमें प्रोटिस्टा सॉरी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी और एनिमल, हमने चारों चार कर लिए हैं। अभी हम लास्ट पे हैं एनिमल किंगडम पे। एनिमल किंगडम के अंदर भी हमने क्या क्या टॉपिक कर लिए हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने खत्म कर लिया है। एंड देन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनके फाइलम। इसमें से हम लोग जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास में है प्रोटोजोआ। आज हम इस प्रोटोजोआ की वाट लगाने वाले हैं, इसकी ऐसी की तैसी करने वाले हैं। तो आप लोग भी हो जाओ तैयार ऐसी की तैसी करने में। बहुत ही सिंपल पॉइंट लेके बहुत ही इजी वे में मैंने इसको कोशिश की समझाने की। अगर फिर भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखे हैं, ठीक है। चलिए साहब शुरू करें। चलिए, नाम क्या है इसका फाइलम का? प्रोटोजोआ। ओके, किसमें आता है? प्रोटिस्टा। किसमें आता है? प्रोटिस्टा। और क्या कॉन्सेप्ट है प्रोटिस्टा का? क्या था मोनेरा में? यूनि सेल्यूलर प्रोकैरियोट। किसमें आते हैं? मोनेरा। एंड और एडवांसमेंट हुआ, यूनि सेल्यूलर यूकैरियोट। किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। क्या बोलते हैं इसको? तीसरे नंबर का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है कौन सा हमारा? क्लियर। इन्हें क्या बोला गया है? इन्हें ए सेल्यूलर भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ए सेल्यूलर। क्या बोलते हैं इनको? ए सेल्यूलर। रीजन क्या है पता है आपको? ए मतलब एक, सेल्यूलर है क्या एक्चुअली में? यूनि सेल्यूलर यूकैरियोट, यानी इनकी एक ही सेल है, खाती भी है, धोती भी है, नहाती भी है, सब कुछ एक ही सेल करती है। यानी ऑल मेटाबॉलिकल एक्टिविटी परफॉर्म बाय सिंगल सेल। ओके, जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी वो एक ही बंदा एक ही बंदी परफॉर्म करती है। यहां तक भेजा उतरा? इसीलिए से क्या बोला गया? ए सेल्यूलर। खोपड़े में उतरा साहब। चलिए अब आता है पॉइंट नंबर टू, इसके हैबिटेट। अगर मैं तुमको बोलू कि पकड़ के लाओ इसको, तो कहां जाओ ढूंढने के लिए? अगर मैं बोलू कि तुम्हारे पड़ोसी को पकड़ के लाना, तुम कहां जाओगे? तुम्हारे पड़ोसी के पास जाओगे पकड़ने के लिए। मैं बोलू कि तुम्हें रमेश, मुकेश, दिनेश किसी को पकड़ के लाना, तो कहां जाओगे? आपके फ्रेंड का घर ढूंढोगे, वहां से पकड़ के लेके आओगे। तो हैबिटेट, ये बंदे कहां पे पाए जाते हैं, बंदों का घर कहां है? तो इन बंदों का घर बहुत अच्छी जगह है। पहले देख लिए क्या बोला? कॉस्मोपॉलिटियन, यानी सार्वभौमिक, सार्वत्रिक। बोला हम तो बाबा भक्त हैं भैया, हम हर जगह मिलते हैं, यूनिवर्सली है, ये हर जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ बंदे बोले साहब हम तो गरीब आदमी, हम तो छोटे रह जाते हैं। वो कौन हमारे पास में? माइक्रोस्कोपिक बंदे भी होते हैं। कुछ बोलते साहब अपने को स्विमिंग पसंद है, अपने को पानी में रहना अच्छा लगता है साहब, ठीक है। अपन तो इधर ही रहेगा, किधर? पानी में। ओके, किधर रहेगा? एक्वेटिक एंड फ्री लिविंग। पानी में भी है, फ्री लिविंग है, मतलब बंदा आराम से अपना भूम 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 भूम, ठीक है, जेड स्की लेके पानी में घूमता रहता बंदा। कौन है? अमीबा। इससे तो आप जानते होगे ना, ये आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा दोस्त है जो बचपन से आपके साथ में है, फिर भी आधे बच्चों को तो उसको पर पता ही नहीं क्या होता है अमीबा। शक्ल देखे ना आपने सबने इसकी, अमीबा की शक्ल कुछ बेहतर है कि प्यारी सी नन्नी सी कुछ ऐसी होती, ठीक है। ये आपका अमीबा है। ओके,
कुछ क्या होता है पैरासाइटिक। बोलो साहब अपने को जमता नहीं अकेला रहना, अपन तो अकेला नहीं रहेगा, अपन तो किसी के दोस्त के साथ में रहेगा, वो अपन क्या होता है पैरासाइटिक। किसी होस्ट बॉडी के साथ में अगर कोई बंदा रहता है दैट्स मीन पैरासाइटिक। अभी पैरासाइटिक एक्सो पैरासाइट हो सकता है और एंडो पैरासाइट भी हो सकता है। हमारे बॉडी में एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। आप सब लोग जानते हैं ना मलेरिया के बारे में, आप में से कितने बच्चों को मलेरिया हुआ है और मलेरिया में क्या होता है क्या आपको पता है किसी को मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में क्या होता है कि हमारे जो पाप किए होते हैं ना, तो हमें एक लेडीज आती है वो काट देती है। इस लेडीज का नाम क्या है? फीमेल एनाफिलीस। क्या होता है मलेरिया में? फीमेल एनाफिलीस जो मच्छर है वो हमें काटता है, और मच्छर के काटने से उसके माउथ में जो सलाइवा होता है उसमें ये कमीना होता है। नाम क्या है इसका? प्लाज्मोडियम। ये कमीना जब डंक मारती है तो वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, और वहां से एंटर करते हुए हमारे सिस्टम में एंटर करके हमारे धाम धूम धमाधम अंदर बॉडी में वाट लगाना शुरू करता है, लीवर के अंदर सक्सेस प्रोग्रामिंग करता है। तो नाम क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम क्या होता है? पैरासाइटिक फॉर्म में होता है। क्लियर? अब आता सॉलिटरी और कॉलोनियल। कुछ बोला भैया अपन तो अकेले रहेगा, कुछ बोला नहीं भाई हम कॉलोनी बना के रहेंगे, हम लोग अच्छे परिवार के लोग हैं, हम लोग अकेले नहीं रहते, हम लोग पूरा अपने परिवार बसा के रहते हैं। तो वो हमारे पास में है यहाँ पे प्रोटियोस्पोंजिया। ओके, क्या नाम लिखा है यहाँ पे? प्रोटियोस्पोंजिया। ये बंदे किसमें आते हैं? कॉलोनियल सॉलिटरी पाए जाते हैं। बेजे में उतरा पक्का। चलिए अब आता है इनकी बॉडी शेप। बोला ये हम भी जिम विम करेगा, डोले सोले बनाएगा, तो इनकी बॉडी की शेप देख लो। बोला हम तो राजा भोज है, हमारा कोई शेप ही नहीं है साला, हमको जब मन करे कुछ भी बना लेते हैं हम लोग। देखे होते हैं एसिमेट्रिकल, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? देखे होते हैं साहब एसिमेट्रिकल। अब आता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, इन बंदों का कौन सा लेवल है? बोला साहब हमारा सबसे टॉप का लेवल है, जिसको जिसको पता ही नहीं है वो हमारा लेवल है। नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक। क्लियर? अब इसमें भी क्या होता है? यूनि एंड मल्टी न्यूक्लियेटेड हो सकते हैं, ये यूनि न्यूक्लियेटेड एंड मल्टी न्यूक्लियेटेड भी हो सकते हैं। क्लियर कहा नहीं आता? अब इसके ऊपर बॉडी की जो कवरिंग है, ओके, इसकी जो बॉडी कवर है इसमें बॉडी कवर भी मिलता है, ध्यान रखना। इसकी जब बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे प्रोटोजोन्स के बारे में, तो इन प्रोटोजोन्स के अंदर भी क्या होता है कि अलग अलग तरह होते हैं, जानते हो दर्द पोतरा के लोग होते हैं। कुछ लोग नंग धड़ंग सड़क पे घूमते रहते हैं, कुछ लोग क्या होता है होते ना वो, हम तो बोले के भाई क्या बोलते ना वो, हाँ हम तो बोले के भागते हैं कुछ नहीं पहनेंगे, तो वो है कुछ बंदे इसके नकेट भी होते हैं। और कुछ बोलते हैं ना पप्पा ना, हमको तो जींस चाहिए, हमको तो टी शर्ट चाहिए, हमको तो टॉप चाहिए, हमको तो फलाना ढिमका चाहिए। कुल मिला के इनके ऊपर बॉडी की कवरिंग होती है इनके ऊपर, तो कवरिंग किसकी हो सकती है? तो इनकी कवरिंग कोई भी डेलिकेट मेम्ब्रेन हो सकती है, कोई पेलिकल हो सकती है, इसके ऊपर टेस्ट हो सकता है और शेल। अब टेस्ट ये खाने का टेस्ट नहीं है, लिखने का टेस्ट नहीं, कवर का नाम है, ध्यान रखना टेस्ट। क्लियर? और अगर यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दिया मेरे पास में यहाँ पे, अगर सिलिका का शेल है, किसका? अगर इसके ऊपर सिलिका का शेल मिलता है तो कौन से ग्रुप होगा? उसे बोलते हैं रेडियोलेरियन ग्रुप। क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेडियोलेरियन ग्रुप। रेडियोलेरियन ग्रुप के ऊपर यानी इस बंदों की जो कवरिंग है वो किसकी? सिलिका की कवरिंग पाई जाती है। सिलिका मेरे पास में बाइकार्बोनेट, ओके, CaCO3 से, क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हो। क्लियर? ज्यादा केमिस्ट्री मेरे को आती नहीं है, बट जो इतना है समझ लीजिए, ठीक है? वो किस में मिले यहाँ पे? फॉर्मीफेरॉन ग्रुप। कौन सा पे? फॉर्मीनिफेरेन ग्रुप। फॉर्मीनिफेरेन ग्रुप ध्यान रखना। देख लीजिए साहब, ज्यादा इंग्लिश अपने को नहीं आता साहब, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बस, ठीक है ना? चलिए साहब, अब आई मेन बारी इनकी लोकोमेट्री स्ट्रक्चर। सबका बोला कोई, सबका चलने का तरीका, इनकी लोकोमेट्री स्ट्रक्चर। कोई बेवड़ा है, कोई राजा भोज है, कोई डांस करते हुए चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है देखिए। तो इनका चलने का तरीका, इनकी जो स्ट्रक्चर, इनकी लंगड़ा कौन है, कौन चार पाई पे चल रहा है, चार पाई पे कुछ चलता है कभी यार? तो इनकी जो चलने की जो स्ट्रक्चर है, किसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग होती है ये देख लीजिए, किसमें क्या सॉफ्टवेयर लगा हुआ देख लो। अगर इंगन में इसमें अगर फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया आपने सुना होगा ना, बड़ी अमीबा में सुना होगा ना, स्यूडोपोडिया पाई जाती है, ठीक है ना? बस वही कहानी है। अगर इनमें चलने के लिए लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर स्यूडोपोडिया है, तो एग्जाम्पल है एंटामीबा और
अमीबा, इन दो बंदों में क्या मिलती है? स्यूडोपोडिया मिलती है। अगर इनमें वाइपर लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, फ्लैजिला, वाइपर लाइक फ्लैजिला होती है, यार मैं बोलूं फ्लैजिला पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा एक बीमारी करता है, याद है आपको? स्लीपिंग सिकनेस, याद रखना, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी करता है, याद रखना। अगर इसमें अगर शीलिया मिलती है तो कौन है? पैरामीशियम। आप सब लोग ये चप्पल वाला है ना, आपको याद है चप्पल जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है? और जिसमें कुछ नहीं मिलता है वो हमारे पास प्लास्मोडियम। क्लियर? चलिए अब चलते हैं इनके बारे में, इनकी खाने पीने की प्रोग्रामिंग कैसी। चलिए देखते हैं, इनके घर में दावत है हमें कि घर में हमें दावत मिली खाने पीने की, तो इनके घर पे खाने का प्रोग्रामिंग कैसा। देखो तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या होता है, दो घर पास में होलोजोइक और पैरासाइटिक। कौन सा है? होलोजोइक और पैरासाइटिक। अब पता क्या था होलोजोइक का एग्जांपल है अमीबा, और क्या है पैरासाइटिक इसमें अपना प्लाज्मोडियम है। बहुत इजी, कुछ कुछ कंफ्यूजन नहीं हो सकता। डाइजेशन सिंपल कहानी, सेल तो इनकी एक ही है, कोई सिस्टम तो नहीं है, नहीं एक ही सेल है, तो क्या होगा यहाँ पे? इंट्रा सेल्यूलर। क्या होगा? इंट्रा सेल्यूलर। अगर इनके पास फूड वैक्यूल है तो फूड वैक्यूल के अंदर इनका डाइजेशन होगा। अब ये सांस कैसे लेते हैं, ये कैसे अपना करते हैं, ठीक है? ये कैसे अपना प्रोग्राम सारा सॉफ्टवेयर खराब को बाहर फेंकते हैं, तो रेस्पिरेशन और इनका जो एक्सीरेशन है, ठीक है, इनका जो वेस्टेज है वो क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो सारा जो काम करते हैं किससे करते हैं? बॉडी सरफेस से। इन में क्या बोले, सिंगल सेल है यार, कुछ भी नहीं, एक सेल है सिर्फ, ये एक ही सेल से कुछ कर रही है, तो इसमें सीधी सी कहां से होगा? बॉडी सरफेस होगा। इनमें क्या होती है, कुछ कुछ बंदों में क्या होती है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल्स मिलती हैं, और यही कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल जब फ्रेश वाटर में जो बंदे होते हैं ना, यही बंदे जब कहां होंगे? फ्रेश वाटर में। अगर आपको मैं ऐसा एग्जांपल देकर समझाऊं, सपोज दैट मेरा ये वाटर कंपोनेंट है और इसमें ये बंदा है, ओके, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन क्या करता है यहाँ पे? ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी कौन करती है? कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल भी करती है। ये आप और आगे जाओगे ना तो पढ़ोगे इसमें हाइपो, हाइपर, हाइपोटोनिक, ये सब कहानी आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, तब आपको डिटेल में क्लियर होगा चीजें क्या होती है। और इसमें जो वेस्टेज है नाइट्रोजनस वो क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है इसका? अमोनिया। बात करते किसकी? रिप्रोडक्शन की, यानी कि इनकी भी औलाद पैदा कैसे होती है, इनकी जो पीढ़ी है वो कैसे फॉर्म होती है। तो इनकी पीढ़ी फॉर्म करने के दो तरीके, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पढ़ा पढ़ा के साला मैं थक गया, मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ ये, एसेक्सुअल और सेक्सुअल है। भेजे में घुस दी होगी ना अब तक, कोई दिखानी है। पहला क्या मेरे पास में बाइनरी फ्यूजन है, सिंपल फॉर्मेट है तो अमीबा है। अब बताने की इसमें क्या है जरूरत तुमको कि साहब ये अमीबा होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, और ये इसके बाद में इसमें एक्सटेंशन होता है न्यूक्लियस का, ये कॉपी हो गया न्यूक्लियस, एंड देन इसमें इसमें मार्जिन पड़ जाएगा बीच में, और ये बाद में फाइनली दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मैं क्या बताऊं इसमें, तुमको पता ही होगा, बहुत सिंपल चीज है, ट्रांसवर्स है तो बीचों बीच में। अगर मेरे पास में सपोज दैट ये पैरामीशियम है, ओके, ये सपोज दैट मेरे पास में ये चप्पल नुमा एक पैरामीशियम, ओके, तो ये क्या होगा? इसको भाई आगे जाके क्या करना है, इसको बीच में से, कैसे बोला, अगर ये बीच में से बनता है कौन से फॉर्मेट में? ट्रांसवर्स में। ट्रांसवर्स फ्यूजन कौन करेगा? पैरामीशियम। फ्यूजन का मतलब तो पता है ना आपको, विभाजन होना, एक से दो बना, उसे बोलते हैं विभाजन, इसे बोलते हैं फ्यूजन। क्लियर? लॉन्गिट्यूडनल बोलते ऐसे खड़ा, ऐसे अगर खड़ा वाला बीच में से कटता है उसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो वो किसमें मेरे मिलते हैं? ट्रिपेनोसोमा। सिंपल अमीबा में, ट्रांसवर्स पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनल किसमें है? ट्रिपेनोसोमा में। अब मल्टीपल फ्यूजन समझ पड़ी क्या? था एक था, एक न्यूक्लियस धड़ाधड़ धड़ाधड़ कॉपी की अंदर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ मल्टीपल कॉपी हो गई। अब ये लो मल्टीपल बंदे बन गए, ठीक है, बहुत सारे अब मल्टीपल बंदे बन चुके हैं। तो ये कौन सा था हमारे पास में? मल्टीपल फ्यूजन है, बड फॉर्म होती है इफेलोटा के अंदर, ओके, ये सब कहानी क्लियर है। अब मेरे पास क्या, अगर बात करें तो सेक्सुअल की, तब होता है सिंगे में, होता है प्लास्मोडियम में। तो जब हम पढ़ेंगे ना कौन सा, मलेरियल साइकिल, क्या पढ़ेंगे? मलेरियल साइकिल। तो मलेरिया में क्या बनते हैं यहाँ पे? स्पोरोजॉइट बनते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या बोलते हैं, साइजोल्ट बनते हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल बनते हैं तो उसमें फ्यूजन होगा, तो पूरी कहानी आगे समझाऊंगा आप में, शॉर्ट एंड स्वीट में समझ लीजिए साहब। प्लास्मोडियम में सिंगेमी होती है, यानी सेक्सुअल के अंदर प्लास्मोडियम आता है इनके बंदों में, और जो जो कॉन्जुकेशन जिसमें दो बंदे आपस में ट्यूब ज्वाइन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं अपना एक्सचेंज मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को, तो कॉन्जुकेशन होता है। सबसे बड़ी बात, मैंने आपको सवाल पूछा कि दुनिया में कौन अमर है, बोला सर पगला गए साले, बकलोल हो गए सर, पगला गए का,
अरे बगुआ ऐसा नहीं है बा, मैं अभी मेरे को पास है ना भाई, कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। देखन बारू ओके, इस दुनिया में सब के सब क्या होते हैं, मॉर्टल है। क्या है? मॉर्टल है। जो जिंदा है वो मरेगा जरूर, पर कुछ बंदे अमर हैं, कुछ बंदे इमॉर्टल हैं। वो कौन कौन से हैं? दिस वन रीजन बिकॉज ऑफ नो नेचुरल डेथ, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती क्योंकि इनका सोमेटोप्लाज्म और इनका जर्म प्लाज्म में कोई फर्क ही नहीं है। ये एक से दो होंगे तो मरा कहां। अब मैंने क्या बोला, लो ये एक था, ये एक से दो हो गया, ये तो मरा ही नहीं ना, गायब हो गया, दो बन गया, ये दो से फिर चार बन जाएगा, तो काम मर थोड़ी रहे लोग, तो ये कभी मरेंगे ही नहीं। इन्हें क्या बोलते हैं? इमॉर्टल। दुनिया में अगर पूछे कि कोई अमर है तो वो ये है, ये बंदे हैं। क्लियर? बस इमॉर्टल बोला गया है, अब तो हम तो अमर है नहीं। ठीक है, टॉपिक बड़े शानदार था, अगर आपके भेजे में उतरा है, मजा आया है। और मेरे सारे पहलवानों से एक ही कहना है, धमाकेदार फाइटिंग करो। पहलवान तो बता दें तुमको मैंने क्या बोला, तुमको मेरा पहलवान, पहलवान किसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, अखाड़े में आ जाओ, चलो दिखाते तुमको है, जिसके मूंछ का सवाल होता है, मेरा तो नहीं है। ठीक है, तो कहानी इतनी सी यहाँ पे कि सारे कॉन्सेप्ट में करवाने वाला हूँ सीरीज में सीक्वेंस में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको और हर एक बंदे को भेजो यार, करवाओ यार से, क्योंकि अब मैं मुझे रुकना नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं। क्लियर? तो आप इसको धड़ाधड़ वायरल करवाओ, शेयर करवाओ, सब्सक्राइब कराओ, कुछ भी करके हमें फटाफट एक मंथ के अंदर 10K, कितना 10K सब्सक्राइब क्रॉस करना है, इसी मंथ के एंड तक 10K सब्सक्राइबर पार करने आपकी जिम्मेदारी है। आप सबका प्यार अगर मिलेगा तो डेफिनेटली करके दिखाएंगे, और इसी प्लेटफॉर्म में सारे लैब के वीडियोस, नीट के लेक्चर सब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो फिर क्या ढूंढ रहे हो यार, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, तो बस ठोको। जय हिंद जय भारत, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।